खरीदना है कोल इंडिया। मुझे लगता है जी कोल इंडिया में इस तरह का मूव कल देखने को मिला, एक बुलिश थ्रस्टिंग लाइन कैंडल बनी है जो कि मुझे लगता है कि स्टॉक को 229-230 के लेवल्स तक ले जा सकती है। तो कोल इंडिया में खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस रख लें 212 रुपए पर, 212 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 221 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 225 रुपए का। तो 221-225 के लक्ष्य के लिए कोल इंडिया में खरीदारी कराए। तो कोल इंडिया खरीदे। ये जो लेवल है कुणाल जी, ये कैश मार्केट की समझ जाए। देखिए ये लेवल्स फ्यूचर्स के हैं जो कल एक्सपायर हो चुका है, लेकिन कैश के लेवल्स भी ऑलमोस्ट सेम है। तो 212 का ही स्टॉप लॉस उचित रहेगा। अगर आप कैश में भी इसको देखें तो 212 का स्टॉप लॉस, 221 का पहला टारगेट, 225 का दूसरा। अगर आप मार्च फ्यूचर्स में ट्रेड करें तो फिर उस हिसाब से अपने स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स को एडजस्ट कर लें।